गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, कैसे हो सभी। आज की इस वीडियो में आपको कैंडल स्टिक पैटर्न का फुल कोर्स समझाने वाला हूँ। किस तरीके से आपको कैंडल स्टिक समझना है, किस तरीके से आपको ट्रेड लगाना है, कैंडल स्टिक होता क्या है, कैंडल स्टिक को कैसे समझते हैं, कैंडल स्टिक के यूज़ से हम किस तरीके से ट्रेड लेते हैं, सारा कुछ आपको आज इस कोर्स में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कैंडल स्टिक होता क्या है। हम पहले चल लेते हैं कि हम कैंडल स्टिक हमारा होता क्या है। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, ये हमारी दो तरह की कैंडल आ रही है, एक है रेड और एक है ग्रीन। इसकी बॉडी है, ऊपर हल्की सी लाइन है, इसको हम बोलते हैं कैंडल। कैंडल के शेप में आ जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कैंडल। ऊपर की तरफ अगर सिर्फ उस विक होगी, नीचे नहीं होगी, तो कैंडल की तरह लगेगा, इसको हम कहते हैं कैंडल। ये होती है हमारी रेड कैंडल और ये होती है हमारी ग्रीन कैंडल। आगे बताऊंगा इसको और क्या क्या कहा जाता है। अब वापस वीडियो की तरफ चलते हैं। इस कोर्स में आप समझने वाले हैं व्हाट इज कैंडल स्टिक। सबसे पहले अगर आप बिगिनर हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें, एंड तक जरूर देखें। और सेकंड आपका आ जाता है हाउ टू यूज कैंडल स्टिक, कैंडल स्टिक का यूज कैसे करना है आपको। और आपका थर्ड आ जाता है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक, कैंडल स्टिक के कितने टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स की कैंडल होती हैं, यही मैं आपको समझाने वाला हूँ। और लास्ट में हाउ टू रीड कैंडल स्टिक, ये सारा आपको एक ही कोर्स में समझने वाले हो आप। आपका ही अगर पेड कोर्स भी लेते हो उसमें भी आपको यही समझाते हैं। मैं आपको फ्री में समझा रहा हूँ, कुछ भी नहीं ले रहा आपसे। बस आपसे क्या चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना कि उनको भी इस चीज़ के बारे में समझ में आ जाए, वो भी समझ जाएँ कैंडल स्टिक होता क्या है, और अगर ट्रेड लगाना चाहते हो तो उनको भी समझ में अच्छे से। सबसे पहले हम आ जाते हैं, यहाँ पे हमारा आ जाता है टाइप्स, कितने टाइप्स के हमारे पैटर्न होते हैं। पैटर्न मैं आपको पहले पैटर्न समझा देता हूँ, पैटर्न होता क्या है पहले बताया, तो पैटर्न क्या होता है। यहाँ पे हम छोटा करते हैं इसको, हमने यहाँ पे छोटा कर लिया और हमारा यहाँ पे ये हो गया, ठीक है इसको काट देते हैं। ये हो गया हमारा, ये हमारा टॉप पे गया, ये हो गया, यूं आ गया, यूं हो गया, यूं आ गया, ऐसे गया, ऐसे आ गया, ऐसे गया, ऐसे आ गया, ऐसे गया, ऐसे आ गया, इसको कहते हैं पैटर्न। किस तरीके से ये मूव कर रहा है, इसको हम कहते हैं पैटर्न, जिस तरीके से चलता है। ये एकदम सीधा तो चलता नहीं है, ना सीधा चलेगा ना खड़े में चलेगा, ये आपका टेढ़े मेढ़े चलता है, यानी कि आपका एक तरीके से ट्रायंगल शेप में चलता रहता है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको, ट्रायंगल शेप में आपका चलता रहता है। मैं आपको अब वीडियो की तरफ ले चलता हूँ, आपको मैं बता देता हूँ ट्रायंगल शेप में कैसे चलता है। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, मान लीजिए कि आपका ये टॉप पे गया फिर वापस से नीचे आ गया, ये होता पैटर्न, ऐसे ऐसे जा रहा है। सबसे पहले हमारा आ जाता है रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, मान लीजिए कि आपका ये टॉप पे गया वापस से नीचे आ गया, रिवर्स हो गया, रिवर्स टॉप पे जाके रिवर्स आ गया, और नीचे से ऐसे कर रहे हैं, मैं आपको पहले वो भी दिखा देता हूँ। यहां से गया और फिर वापस आपका रिवर्स हो गया, ये भी आपका रिवर्सल में ही काउंट होगा। सेकंड आपका आया था कॉन्टिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न। कॉन्टिन्यूएशन मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा कॉन्टिन्यूएशन क्या होता है। ये होगा हमारा कॉन्टिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न, कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न। यहाँ पे हमारा सेम फॉलो किया ट्रेंड को, फिर यहाँ पे हमारा सेम किया, यानी कि कंटिन्यू कर रहा है ऊपर, ये हमारा कंटिन्यू जा रहा है, यहाँ पे हमारा कंटिन्यू जा रहा है। एक तरीके से समझ लीजिए आपको कि ये ट्रेंड कोई कॉपी कर रहा है, तो ये होता है हमारा कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न। और आपका अब थर्ड आ जाता है, मैं आपको थर्ड भी बता देता हूँ। थर्ड आपका आ जाता है न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न। न्यूट्रल न्यूट्रल क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, इस वीडियो में आपको सारा कुछ बताऊंगा, टोटली ए टू जेड सब बताने वाला हूँ। ये हो गया आपका न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न। न्यूट्रल में सबसे मेन जो किरदार होता है वो हमारा होता है डोजी का, सबसे मेन फॉर्म करता है डोजी हमारा, ये न्यूट्रल में आता है। कैसे, यहाँ पे होगी हमारी विक होगी, ये होगी हमारी बॉडी, और ये हमारी लोअर विक होगी, ये हमारी हायर विक होगी, ये हमारी होगी बॉडी। मार्केट हमारी यहाँ पे ओपन हुई और यहाँ पे हमारी क्लोज हो गई, चाहे ग्रीन हो चाहे हमारी रेड हो, यहाँ पे ओपन होगी यहाँ क्लोज होगी, रेड में हमारी यहाँ ओपन होगी यहाँ क्लोज होगी।
यानी कि आपका यहाँ पे 50, यहाँ पे हमारा 50% पार्ट यहाँ रहेगा, 50% पार्ट यहाँ रहेगा, और बॉडी हमारी बीचों बन गई, जिसका हमारा एक तरीके से टाइम पास कैंडल है। या मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने कोई शेयर 100 रुपये खरीदा, आपको प्रॉफिट हुआ 120 रुपये का, लेकिन जब क्लोजिंग के आसपास आ रहा टाइम आ रहा है तो आपका 80 रुपये चला गया, लेकिन जब क्लोज होगा तो आपका 100 रुपये में ही क्लोज हो गया, यानी कि ना आपका प्रॉफिट हुआ ना आपका लॉस हुआ, आपका वहीं पे स्टेबल है अमाउंट, ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट, आपका अमाउंट वहीं पे स्टेबल है, एक तरीके से टाइम पास कैंडल कहते हैं इसको। अब आगे बता देता हूँ, आगे हमारा आप ये तो समझ गए कि पैटर्न्स हमारे क्या होते हैं। अब अगला आपको बता देता हूँ कि हमारे जो कैंडल्स है इनको क्या कहा जाता है, रेड कैंडल को क्या कहते हैं, ग्रीन कैंडल को क्या कहते हैं। ग्रीन कैंडल को हम कहते हैं बुलिश कैंडल और रेड कैंडल को हम कहते हैं बेरिश कैंडल, यानी कि मार्केट हमारी बुलिश है, मार्केट हमारी ऊपर जा रही, अप जा रही है, हमारी मार्केट बेरिश है, हमारी मार्केट डाउन जा रही है। किसी के मुंह से आपने सुना होगा या आपने खुद देखा होगा कहीं पे, जब मार्केट आपकी बुलिश होगी अप जाएगी तो आपको बाय करना है, जब मार्केट आपकी बेरिश होगी तब आपको सेल करना है। तो ये हो गया आपका बुलिश और ये बेरिश, बुलिश कुछ इस तरीके से होता है, बेरिश आपका कुछ इस तरीके से होता है, और ये होता है हमारा कैंडल। मैंने आपको कैंडल भी दिखा दिया, अब मैं कैंडल आपको कंप्लीट बता देता हूँ, कंप्लीट कैंडल का फॉर्म कैसे होता है, कैंडल किस तरीके से फॉर्म होता है। ये हमारी हो गई रियल बॉडी, ये हमारी हो गई बॉडी, कैंडल की बॉडी, और ये हमारा हो गया हायर विक, और ये हमारा हो रहा लोअर विक, ये हमारा कंप्लीट एक विक है और ये बीच में बॉडी है। ग्रीन कैंडल में क्या होता है, मार्केट हमारी यहाँ से ओपन होती है और यहाँ पे हमारी क्लोज होती है। रेड कैंडल में क्या होता है, मार्केट हमारी यहाँ से ओपन होगी और यहाँ पे क्लोज होगी। ग्रीन कैंडल में लो हो गया, ये हाई हो गया, रेड कैंडल में भी लो हो गया, हाई हो गया, लो हाई दोनों में सेम होता है, लेकिन हमारा ओपन क्लोज यहाँ पे चेंज हो जाता है, क्योंकि ग्रीन कैंडल मार्केट हमारी नीचे से ऊपर जा रही है और रेड कैंडल में ऊपर से नीचे आ रही है, यानी कि ऊपर ओपन हुई और नीचे जाके क्लोज होगी। तो ये होता है हमारा ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, मेरे को पता है आपको समझ में आ गया होगा। आपको फिर भी अगर कोई पार्ट समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसको अच्छे से समझा दूंगा। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न्स यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न फुल एक्सप्लेन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, एक टेक्निकल टूल से आपको इसको कर सकते हो। इट शोज मल्टीपल टाइम फ्रेम्स इनटू सिंगल प्राइस बार, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को एक सिंगल बार में दिखाता है कैंडल स्टिक पैटर्न, यहाँ पे पूरा जो दिखाता है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कैंडल्स, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कैंडल, कितने टाइप्स के कैंडल होते हैं, अब हम उस पर आ जाते हैं। हमारा ऊपर तो समझ में आ गया आपको कि बुलिश कैंडल क्या होता है, बेरिश कैंडल क्या होता है, कैंडल्स क्या होता है, पैटर्न्स क्या होता है, ये सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसकी आपको प्रॉपर वीडियो बना के दे दूंगा, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, जिसके ज़्यादा कमेंट होंगे मैं उसी चीज़ पर वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर सबसे पहले हमारा आ जाता है हैमर कैंडल, यहाँ हमारा हैमर है, ऊपर बॉडी है और नीचे हमारी विक है, ऊपर बॉडी नीचे हमारी विक, हैमर की तरह कुछ दिख रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं हैमर कैंडल। जब हैमर कैंडल बनता है तो हमें क्या करना पड़ता है, मार्केट में सेल करना है या बाय करना है, ये मैं आपको बताता हूँ। मार्केट हमारी यहाँ से डाउन आ रही है, यानी कि हमारी बेरिश कैंडल बन रही है, यहाँ पे एक बेरिश कैंडल, दो बेरिश कैंडल, तीन बेरिश कैंडल, हमारी यहाँ पे बेरिश कैंडल बनी, फिर उसके बाद से हमारी एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई, ये हमारी हैमर कैंडल बन गई। तो हमारा ये मार्केट जितना डाउन आया है इतना ही ऊपर जाने के चांसेस पूरे रहते हैं। अब आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, आप ये भी सोच रहे हो, आपने हैमर तो बता दिया, स्टॉप लॉस नहीं बताया कहाँ लगाना है। स्टॉप लॉस आपको हैमर के नीचे वाले ये जो विक है यहाँ पे लगाना है, आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, और जितना डाउन आई थी मार्केट उतना अप जाएगी, वहाँ पे आपको टॉप पे टारगेट लगा लेना है, जितना डाउन आई थी उतना ही अप जाएगी, वहाँ पे आपको टारगेट लगा लेना है। अब मैं आपको चार्ट पैटर्न में समझा देता हूँ। यहाँ पे मार्केट डाउन आई, हैमर का ये यहाँ से मार्केट इतनी डाउन आई और फिर वापस इतनी ही अप गई, कई बार और अप चली जाती है, तो मार्केट हमारी इतनी अप गई, तो आपने स्टॉप लॉस कहाँ लगाया, स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे लगा दिया हैमर के उधर, और आपने टारगेट कहाँ लगाया, टारगेट आपने इधर लगा दिया कि आपका यहाँ पे टारगेट है। तो आपको क्लियर हो गया होगा हैमर कैंडल क्या है। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाता है इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक, ये हो गया हमारा इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक। ये भी हमारा कुछ हैमर की तरह है, लेकिन बस क्या है, इसमें हमारी बॉडी है जो हैमर में टॉप पे होती है, इसमें हमारा लोअर होता है, यानी डाउन पे होती है हमारी बॉडी। ये हो गया हमारा इन्वर्टेड हैमर, यहाँ मार्केट डाउन आई, इन्वर्टेड हैमर बना, नेक्स्ट कैंडल का हमने वेट किया,
नेक्स्ट के अंडर का हमने वेट किया और यहाँ पे हमने एंट्री ले ली। स्टॉप लॉस आपको यहीं सेम नीचे लगाना है, एंट्री यहाँ लेनी है, टारगेट आपका ये होगा, टॉप पे टारगेट होगा। जितनी मार्केट डाउन आई है उतनी मार्केट अब वापस जाएगी। मैं आपको पैटर्न में दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारी मार्केट डाउन आई, मान लीजिए आपकी मार्केट इतनी डाउन आई, यहाँ से शुरू हुई मार्केट डाउन आई, तो मार्केट इतनी ही अप जाएगी, मार्केट इतनी ही अप जाएगी, तो हमारी मार्केट उतनी अप गई। ये हमारा कैंडल है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। नेक्स्ट कैंडल का हमने वेट किया और यहाँ से हमने एंट्री ले ली। स्टॉप लॉस आपका नीचे होगा, इन्वर्टेड हैमर के नीचे होगा आपका स्टॉप लॉस। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आया था बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। आपको समझ आ गया हैमर कैंडल क्या होता है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल क्या होता है। हैमर कैंडल पे आपका टॉप पे बॉडी होती है, लोअर वीक होती है। इन्वर्टेड हैमर होता है, लोअर बॉडी होती है, टॉप पे आपकी वीक होती है। ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बता देते हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न क्या होता है? बुलिश एंगल्फिंग यानी कि एंगल्फ मतलब खाना। अब यहाँ पे हमारा डाउन ट्रेंड यहाँ पे फॉलो हुआ, ठीक है, हमारा डाउन ट्रेंड यहाँ से आया और मार्केट वापस ऊपर चली गई। लेकिन ये कब गई ऊपर आपको भी ये भी समझना है। ये हमारी यहाँ पे रेड कैंडल बनी, फिर हमारी एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन गई, जो ग्रीन कैंडल हमारी रेड कैंडल को एंगल्फ कर गई, यानी कि अपने अंदर ले गई या खा गई, आप कुछ भी बोल सकते हो। फिर यहाँ से आपको नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। नेक्स्ट कैंडल आपकी कन्फर्मेशन कैंडल होती है, नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। फिर आपको यहीं से एंट्री ले लेनी है, जितना डाउन आई थी उतना आपको टारगेट लगाना है। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे नीचे होगा, कैंडल्स के नीचे होगा आपका स्टॉप लॉस होगा। अब मैं आपको एक वो दिखा देता हूँ एक चार्ट पैटर्न में। यहाँ से मार्केट हमारी डाउन आई, डाउन आई, यहाँ पे रेड कैंडल बनी और एक ग्रीन कैंडल बनी और रेड कैंडल को खा गई, एंगल्फ कर गई। आपको एंट्री कहाँ लेनी है? यहाँ पे लेनी है, जो आपकी नेक्स्ट कैंडल बनेगी आपको यहाँ पे एंट्री ले लेनी है। और आपका टारगेट क्या होगा? मार्केट यहाँ से डाउन आई थी तो टारगेट भी आपका यही होगा, आपका ये टारगेट हो गया, ये टारगेट हो गया, स्टॉप लॉस हो गया, आपकी ये एंट्री हो गई। यहाँ से मार्केट डाउन आई, अब यहाँ से मार्केट अप जाएगी। ये हो गया आपका बुलिश एंगल्फिंग। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका मॉर्निंग स्टार क्या होता है। मॉर्निंग स्टार क्या होता है? मॉर्निंग स्टार में होता है कि मार्केट हमारी यहाँ से डाउन आई, मार्केट अप जाएगी, सेम वही ये प्रोसेस है, बुलिश है ये भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये तीन कैंडल्स से फॉर्म होता है। ये हमारी होगी रेड कैंडल, एक छोटी सी ग्रीन कैंडल और एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल। ये होगी हमारी तीन कैंडल्स से फॉर्म होता है, ग्रीन रेड कैंडल, छोटी सी ग्रीन कैंडल और बड़ी सी ग्रीन कैंडल। एंट्री आपकी यहाँ पे होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ आपकी एंट्री कहाँ होगी। आपकी एंट्री यहाँ पे होगी, स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा आपका? स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, टारगेट आपका ये होगा, ये हो गया आपका स्टॉप लॉस, ये हो गया आपका टारगेट और ये हो गया आपकी एंट्री। यहाँ पे आपको इस कितना समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आपको बता देता हूँ, मैं पैटर्न में दिखा देता हूँ आपको एक छोटे से। ये हो गया हमारा मॉर्निंग स्टार कैंडल, मार्केट हमारी यहाँ से डाउन आना शुरू हुई। यहाँ पे हमारी एक रेड कैंडल बन गई, यहाँ से हमारी ग्रीन कैंडल बन गई, यहाँ पे हमारी बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन गई। स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे लगाना है स्टॉप लॉस। एंट्री लेवल आपका ये होगा, आपको यहाँ से एंट्री लेना है, नेक्स्ट कैंडल का वेट करके उसके 50% पार्ट से आपको एंट्री ले लेना है। आपने एंट्री ले लिया, मार्केट आपकी अप जाएगी, जितना आपका डाउन आई है उतना आपका अप जाएगी। यानी कि यहाँ पे आपको टारगेट लगा देना, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, आपका यहाँ पे एंट्री लेवल हो गया, मॉर्निंग स्टार भी आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट में आपको सबका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा आपको, चार्ट पैटर्न में दिखाऊंगा प्रैक्टिकल एकदम। अब हमारा फिफ्थ आ जाता है पियर्सिंग लाइन पैटर्न। पियर्सिंग लाइन पैटर्न क्या होता है? एक बड़ी सी रेड कैंडल होती है, उसके डाउन पे हमारी एक ग्रीन कैंडल बनती है, उसके 50% पार्ट पे, उसके 50% पार्ट पे हमारा क्लोज होना चाहिए। और ये हमारा रेड कैंडल यहाँ पे हमारी क्लोज होगी और ग्रीन कैंडल हमारी यहाँ से ओपन होगी। जब ये आपका इस तरीके से पैटर्न बन जाएगा तो आपकी मार्केट अप जाएगी, जितना डाउन आ रहेगी उतनी आपकी अप जाएगी, जितनी आपकी डाउन रहेगी उतनी आपकी अप जाएगी। पियर्सिंग लाइन पैटर्न में भी यही है, ये भी बुलिश कैंडल है। अब नेक्स्ट हमारा आया थ्री वाइट सोल्जर्स। थ्री वाइट सोल्जर्स, सबसे पहले तो थ्री वाइट सोल्जर्स, सोल्जर्स सुन के ही आपको एक पॉजिटिव टाइप का फील आ रहा होगा, हमारे देश के सैनिक हमारी रक्षा करते हैं हमेशा, तो सोल्जर्स सुन के ही आपको एक अच्छा फील आता है। तो थ्री वाइट सोल्जर्स यानी कि मार्केट हमारी अप जाएगी, यहाँ पे हमारे थ्री वाइट सोल्जर्स हो गए। यहाँ से हमारी मार्केट डाउन आई, मार्केट हमारी डाउन हुई, एक ग्रीन कैंडल, दो ग्रीन कैंडल, तीन ग्रीन कैंडल, इस तरीके के हमारे ग्रीन कैंडल बने। एंट्री लेवल हमारा ये हो गया, चौथा हमारे यहाँ पे एंट्री लेवल हो गया, हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया, और जितना हमारा डाउन रहा, हमारा इतना डाउन रहा तो हमारे इतना
प्रॉफिट का वेट करना है, हमारा टारगेट लगा देना है। टारगेट स्टॉप लॉस एंट्री लेवल, ये हो गया आपका थ्री वाइट सोल्जर्स। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मारबूजो कैंडलस्टिक पैटर्न। मारबूजो कैंडलस्टिक पैटर्न में आपकी विक नहीं होती, ओनली बॉडी होती है, चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो। लेकिन ग्रीन कैंडल होती है तो आपकी बुलिश होती है, रेड कैंडल होती है आपकी तो आपकी बेरिश होती है। यहाँ पे हमारा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है मारबूजो। तो हमारा मार्केट यहाँ से डाउन आई और एक कैंडल बनी हमारी जिसमें कोई विक नहीं, ना टॉप पे है ना लोअर विक है, कोई विक नहीं, इस तरीके से हमारी बनी। हमें एंट्री कहाँ पे लेनी है, नेक्स्ट कैंडल का वेट करते हैं, उसके 50% पार्ट बनते हुए वहाँ पे हमें एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे लगा देना है, यहाँ से हमारा मार्केट डाउन आना शुरू हुआ था तो आपको यहीं पे टारगेट लगा देना है। टारगेट हो गया आपका, एंट्री लेवल हो गया और आपका स्टॉप लॉस हो गया। ये हो गया आपका बुलिश मारबूजो कैंडलस्टिक, इसमें आपका कोई विक नहीं होता। हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं थ्री इन साइड अप कैंडलस्टिक। ये हो गया हमारा थ्री इन साइड अप। थ्री इन साइड अप मतलब एक बड़ी सी रेड कैंडल होती है, फिर एक ग्रीन कैंडल होती है और फिर इसको टॉप पे एक ग्रीन कैंडल होती है। ये हमारी होती है थ्री इन साइड अप कैंडल। उसके टॉप पे हमारी एक और कैंडल बनती है तब आपको एंट्री लेनी है। यानी कि इसमें लिखा नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको एंट्री ले लेनी है, यहाँ पे आपने एंट्री लिया, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लग गया और यहाँ पे आपका टारगेट हो गया। ये हो गया आपका टारगेट, इस तरीके आपको क्लियर हो गया होगा। थ्री इन साइड डाउन को, थ्री इन साइड डाउन के बारे में आपको आगे बताऊंगा, नेक्स्ट में बताऊंगा आपको। अभी चलते हैं नेक्स्ट पे। हमारा अभी आ जाता है ट्विजर बॉटम कैंडल स्टिक। ट्विजर बॉटम, ट्विजर दो कैंडल, ट्विजर मतलब दो कैंडल, बॉटम मतलब डाउन कैंडल स्टिक, ट्विजर बॉटम कैंडल स्टिक। यहाँ पे इसका हमारा सेम लो होता है, चाहे कैंडल के हमारे विक सेम हो, चाहे बॉडी हमारी सेम टच करे, चाहे किस तरीके से, लेकिन हमारा उसका जो हमारा लो है बिल्कुल सेम होना चाहिए। यहाँ पे जो हमारा सेम लो है, ये हमारी विक टच करी हमारी रेड कैंडल की और हमारे ग्रीन कैंडल की, लो सेम है और इस तरीके से हमारी बॉडी यहाँ पे टच करी, यहाँ पे बॉडी टच करी, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल, लो सेम है यहाँ पे हमारी ग्रीन कैंडल, यहाँ पे हमारी रेड कैंडल, यहाँ पे ग्रीन कैंडल, लो सेम है। तो इस चीज़ से हमें पता लग जाता है कि हम मार्केट हमारी बुलिश है, मार्केट हमारी बुलिश है, मार्केट हमारी अप जा सकती है। सेम अगर हमारा ट्विजर बॉटम यहाँ पे आता है तो मार्केट आपकी अप जाएगी। अब आगे चलते हैं, आगे हमारा आ जाता है बुलिश हरामी। बुलिश हरामी पैटर्न, इसमें क्या होता है, ये भी हमारा एक तरीके का बुलिश कैंडल ही है, बुलिश कैंडल ही है। ये भी हमारा डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड में जाता है। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा डाउन ट्रेंड यहाँ पे शुरू हुआ, डाउन ट्रेंड आया और फिर उसके बाद से हमारा यहाँ पे कैंडल बन गई, एक रेड कैंडल बनी और एक हमारी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई। ये हमारा होता है बुलिश हरामी कैंडल, इसको हम कहते हैं बुलिश हरामी। अगर आपको सारे कैंडल स्टिक याद नहीं हो पा रहे हैं तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप पीडीएफ डाउनलोड करके आप उसको माइंड में फिट कर सकते हो। लाइव करके दिखाऊंगा आपको, आप लाइव करके देखते रहना। तो अब मैं कह रहा हूँ आपको 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर ये माइंड में फिट हो जाएगा, फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, माइंड में फिट रहेगा। आप देख के बताओगे कि कौन सा कैंडलस्टिक कौन सा है। ये हमारा होगा बुलिश हरामी। जब इस तरीके का पैटर्न बनता है तो हमारा ये कैंडल बनता है तो उसको कहते हैं बुलिश हरामी। इसे मार्केट हमारा बुलिश होगा, यानी कि ऊपर जाता है, रिवर्स होता है, ऊपर जाता है। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे नीचे हो गया, एंट्री लेवल आपका यहाँ पे हो गया और आपका टारगेट यहाँ पे हो गया। ठीक है, आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे बात करते हैं थ्री आउटसाइड अप पैटर्न। थ्री आउटसाइड अप पैटर्न यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हमारा हमने थ्री इन साइड अप बताया था और थ्री आउटसाइड अप बताएंगे। यहाँ पे मार्केट हमारी डाउन आई, मार्केट ने डाउन ट्रेंड फॉलो किया, फिर अप ट्रेंड रिवर्सल हो गया, अप ट्रेंड रिवर्सल हो गया। लेकिन डाउन ट्रेंड के बाद हमारी ये तीन तरीके कैंडल बनती है। डाउन ट्रेंड के बाद अगर इस तरीके की कैंडल बन रही है तो आपका थ्री आउटसाइड अप है। रेड कैंडल, फिर बड़ी सी ग्रीन कैंडल, फिर एक छोटी सी ग्रीन कैंडल, ये आपका हो गया सबसे पहले तो थ्री आउटसाइड अप, ये आपका हो गया। लेकिन आपको कन्फर्म कैसे करना है कि वही कैंडल आपको बाय करना है, आपको नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। नेक्स्ट कैंडल आपकी बनी, 50% पार्ट पे आपने एंट्री ले ली और आपने यहाँ पे ट्रेड ली है, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे नीचे हो गया, एंट्री लेवल आपकी ये हो गई, आपका टारगेट ये हो गया। ठीक
ठीक है, यहां तक क्लियर होगा आपको। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा होता है ऑन नेक कैंडल स्टिक पैटर्न, ये हमारा बेरिश कैंडल होता है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया बुलिश कैंडल स्टिक कौन कौन से होते हैं। हमारा थ्री आउटसाइड अप हो गया, बुलिश हरामी हो गया, टू इज़ बॉटम हो गया, थ्री इनसाइड अप हो गया, बुलिश मार्बुजो, थ्री वाइट सोल्जर्स, पियर्सिंग लाइन, मॉर्निंग स्टार, बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया, हैमर हो गया, सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। हैमर आपका होता है टॉप पे आपकी बॉडी रहती है, लोअर आपका बनता है। इन्वर्टेड हैमर में आपका लोअर बॉडी रहती है और आपका टॉप पे विक बनता है। बुलिश एंगल्फिंग में होता है ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को एंगल्फ कर जाती है। और आपका नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार में आपका होता है एक रेड कैंडल होती है, उसके नीचे आपकी छोटी सी ग्रीन कैंडल बनती है, फिर ग्रीन कैंडल बनती है, मार्केट आपकी अप जाती है। फिफ्थ आपका पियर्सिंग लाइन पैटर्न, यानी कि बड़ी सी रेड कैंडल बनेगी, उसके 50% पार्ट से नीचे आपका ग्रीन कैंडल बनेगी, वो होता है आपका पियर्सिंग लाइन पैटर्न। थ्री वाइट सोल्जर्स, यानी कि तीन बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बनेंगे तो आपका थ्री वाइट सोल्जर्स। बुलिश मार्बुजो, आपका कोई विक नहीं होगी, बड़ी सी कैंडल होगी बुलिश मार्बुजो। थ्री इनसाइड अप, इसमें आपकी बड़ी सी रेड कैंडल होगी, छोटी सी ग्रीन कैंडल होगी, फिर उसके आपका टॉप पे एक छोटी सी ग्रीन कैंडल होगी, ये आपका होता है थ्री इनसाइड अप। ट्विजर बॉटम में आपका लोअर बिल्कुल सेम होता है, चाहे आपकी विक टच करे चाहे आपकी बॉडी टच करे, लेकिन बॉटम आपका सेम होना चाहिए। बुलिश हरामी में आपकी बड़ी सी एक रेड कैंडल होती है और एक छोटी सी ग्रीन कैंडल होती है, ये होता है आपका बुलिश हरामी। थ्री आउटसाइड अप, इसमें आपका एक बड़ी छोटी सी रेड कैंडल होती है, बड़ी सी आपकी ग्रीन कैंडल होगी और एक आपकी छोटी सी भी ग्रीन कैंडल होगी, ये होता है आपका थ्री आउटसाइड अप। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारा बेरिश कैंडलस्टिक कौन कौन से होते हैं। बुलिश तो आपको समझ में आ गया, बुलिश आप समझ गए, लेकिन आपको बेरिश भी सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट को आप तभी समझ पाओगे, ट्रेडिंग आप तभी कर पाओगे जब आप बुलिश तो सीख गए, लेकिन आपको बेरिश आप नहीं आएगा तो कई बार आपको बेरिश कैंडल्स दिखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप सोचते रह जाओगे कि अब बुलिश का वेट करते रहोगे, बुलिश कैंडल अब आएगी। तो हम बुलिश कैंडल, अब बेरिश कैंडल के बारे में सीख लेते हैं। ये होता है हमारा ऑन नेक कैंडलस्टिक। इसमें हमारा टॉप पे हमारी रेड कैंडल बनती है और उसके हमारा नीचे अपोजिट में हमारा ग्रीन कैंडल बनती है। यहाँ से हमको इस चीज़ का संकेत मिल जाता है कि मार्केट हमारी डाउन जाने वाली है, अब मार्केट हमारी डाउन जाने वाली है। नेक्स्ट हमारा आप यहाँ पे आ जाता है हैंगिंग मैन। हमने बताया था हैमर, इन्वर्टेड हैमर, अभी हमारा आ जाता है हैंगिंग मैन। हैमर में आपका ग्रीन कैंडल होता है और हैंगिंग मैन में आपका रेड कैंडल होता है। यहाँ पे हमारी टॉप पे गई, यहाँ पे आप ट्रेंड फॉलो किया मार्केट ने, यहाँ पे हमारा हैंगिंग मैन बना, हमारा डाउन ट्रेंड फॉलो करने लगा मार्केट। आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, आपको स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पे टॉप पे स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट आपका ये हो जाएगा, एंट्री लेवल आपका ये हो जाएगा, ठीक है, एंट्री लेवल आपका ये हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट, ये आपका हो गया स्टॉप लॉस हो गया, टारगेट हो गया और आपका एंट्री हो गया, ठीक है, चार हो गया आपका। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आया था शूटिंग स्टार। सुन के ही पता चल रहा होगा कि कोई चीज गिरना, शूटिंग स्टार, आसमान से तारे जब टूट के गिरते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, शूटिंग स्टार। इसी तरीके का ये कैंडल होती है, जब ये कैंडल आती है तो मार्केट डाउन जाती है। यहाँ पे मार्केट ने हमारा अप ट्रेंड फॉलो किया, बुलिश ट्रेंड फॉलो किया, यहाँ से टॉप पे गई मार्केट और यहाँ पे हमारा शूटिंग स्टार कैंडल बन गया, इसमें हमारा अपोजिट हो जाता है, हमारा हैंगिंग मैन टॉप, शूटिंग स्टार डाउन। तो शूटिंग स्टार हमारे यहाँ पे बना, एंट्री लेवल हमारा ये होगा, ये एंट्री लेवल मैं आपको बता देता हूँ, एंट्री लेवल, स्टॉप लॉस, टारगेट, ये हो गया आपका स्टॉप लॉस, एंट्री लेवल और टारगेट। जब हमारे इस तरीके कैंडल बनती है तो हमारा उसको कहते हैं शूटिंग स्टार कैंडल, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है, पहले तो आपको बताया था बुलिश एंगल्फिंग और सेम उसका अपोजिट होता है बेरिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग में क्या होता था कि आपकी यहाँ पर रेड कैंडल होती थी और यहाँ पर ग्रीन कैंडल होती थी, लेकिन अब यहाँ पर आपका चेंज हो गया है। अब यहाँ पर हमारी पहले एक रेड कैंडल है फिर ग्रीन कैंडल है, हमारी ये रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को एंगल्फ कर जा रही है, यानी कि हमारी मार्केट ने अप ट्रेंड फॉलो किया और फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी और एक रेड कैंडल ने मार्केट को पूरा कैप्चर कर लिया, मार्केट को पूरी तरह अपने अंदर ले लिया, एंगल्फ कर लिया,
फिर यहाँ से क्या होगा, मार्केट का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस ये हो जाएगा, एंट्री लेवल हमारा यहाँ पर हो जाएगा 50% पार्ट पे, टारगेट हमारा ये हो गया जो यहाँ पे टोटल बना था, टारगेट पॉइंट हमारा यहाँ पे हो गया, आपका प्रॉफिट जरूर होगा। ये तो हो गया हमारा बेयरिश एंगल्फिंग। अब हमारा नेक्स्ट बात कर लेते हैं इवनिंग स्टार। आपको मॉर्निंग स्टार के बारे में बताया था, मॉर्निंग स्टार यानी कि राइज होना, इवनिंग स्टार यानी कि लो होना यानी कि डाउन होना। इवनिंग स्टार हमारा यहाँ पे आ जाता है, मार्केट ने यहाँ पे अप ट्रेंड फॉलो किया, इवनिंग स्टार कैंडल बनी तो हमारा डाउनफॉल आ गया। इवनिंग स्टार को पता कैसे चलता कि इवनिंग स्टार है, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल होगी, यहाँ पे एक छोटी सी ग्रीन कैंडल होगी और यहाँ पे हमारी बड़ी सी रेड कैंडल होगी। ये तीन कैंडल्स का कॉम्बिनेशन इवनिंग स्टार कहलाता है, तीन कैंडल्स का कॉम्बिनेशन को हम इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। ये हो गया हमारा इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट कहाँ लगाना है और आपका एंट्री लेवल कहाँ पे होगा वो मैं बता देता हूँ आपको। स्टॉप लॉस आपका ये हो गया, एंट्री लेवल आपका ये हो गया, स्टॉप लॉस आपका ये हो गया, टारगेट आपका ये हो गया, ठीक है। टारगेट, स्टॉप लॉस, एंट्री, ठीक है, तीनों चीज बता दिया आपको इवनिंग स्टार में। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा थ्री ब्लैक क्रोज हमारे यहाँ पे है। थ्री ब्लैक क्रोज सुन के एक नेगेटिव टाइप का फील आ रहा है, काला कौआ, कई लोग उसको अपशगुन भी मानते हैं, तो उस चीज से मैं बोल रहा हूँ कि थ्री ब्लैक क्रोज सुन के अपशगुन सा फील आ रहा है, क्योंकि कई लोग मानते हैं, अभी मानते हैं, पहले जमाने में भी माना जाता था और अब भी मानते हैं। यहाँ मार्केट ने हमारा अप ट्रेंड शुरू किया, ऊपर किया और थ्री ब्लैक क्रोज हमारा बना तो हमारा मार्केट डाउन हो गया। एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, जिस तरीके से हमारा थ्री व्हाइट सोल्जर्स है उस तरीके से इसका अपोजिट थ्री ब्लैक क्रोज है। तीन रेड कैंडल बनी तो हमारी मार्केट का डाउनफॉल शुरू हो गया। हमारा टारगेट ये, हमारा हो गया टारगेट ये हो गया, स्टॉप लॉस ये हो गया, एंट्री लेवल ये हो गया, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, मैं हर वीडियो में हर उसमें बताया कैंडल्स में एंट्री लेवल कहाँ लेनी है, आपको टारगेट कहाँ लगाना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, सब में मैंने आपको टोटल एकदम बढ़िया से बताया है। आपको इतना तो समझ में आ गया होगा एंट्री कहाँ लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, टारगेट कहाँ लगाना है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको नहीं क्लियर होगा तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर दूंगा, और कौन से स्पेसिफिक पार्ट का आपको नहीं समझ आया वही मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल हमारी यहाँ पे आई थी ब्लैक मारबूजो, पहले हमारी थी व्हाइट मारबूजो, अब हमें हमारी ब्लैक मारबूजो। व्हाइट मारबूजो यानी कि हमारी मार्केट अप जाएगी, ब्लैक मारबूजो मतलब मार्केट हमारी डाउन जाएगी। यहाँ पे हमारी ब्लैक मारबूजो हो गई, बड़ी सी रेड कैंडल, मोस्टली इसमें विक नहीं होती, इसमें विक लगी है लेकिन मोस्टली इसमें चांसेस रेयर है कि इसमें विक हो, लेकिन मोस्टली इसमें विक नहीं होती। ये हमारा होगा मारबूजो कैंडल, बड़ी सी रेड कैंडल, सिंगल कैंडल होती है, बड़ी सी रेड कैंडल बनती है तो हमारा मार्केट का डाउनफॉल स्टार्ट होता है। आपका यहाँ पे टारगेट, स्टॉप लॉस, एंट्री लेवल, तीनों आपको क्लियर हो गए। ब्लैक मारबूजो में आपको टारगेट क्या लगाना है, एंट्री लेवल क्या होगा, ठीक है। अब हमारा आ जाता है थ्री इनसाइड अप, बताया था आपको बुलिश में, अब थ्री इनसाइड डाउन आ जाता है हमारा। यहाँ से मार्केट ने अप ट्रेंड फॉलो किया और रिवर्सल ट्रेंड चालू हो गया, तो हमारा यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनेगी, फिर एक रेड कैंडल, फिर एक उसके नीचे रेड कैंडल बनेगी। ये तीन कैंडल्स का मेल यानी कि कॉम्बिनेशन, जोड़, कॉम्बिनेशन कुछ भी आप बोल सकते हो, इसको हम कहते हैं थ्री इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक। जितना मार्केट ऊपर गया उतने मार्केट नीचे आएगा, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे आपके आपके ख़त्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका टारगेट लग गया, यहाँ पे आपका एंट्री लेवल हो गया, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो गया। ये आपको क्लियर होगा, थ्री इनसाइड डाउन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारा आ जाता है ट्विजर टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न। मैंने आपको पहले बताया था ट्विजर बॉटम बताया था, यानी कि कैंडल ऊपर से शुरू हो रही है और नीचे बॉटम पे जाके खत्म हो जा रही है, लेकिन दो कैंडल भी बन रही है, दोनों का बॉटम बिल्कुल सेम है, उससे नीचे नहीं है, उसको कहते हैं हम ट्विजर बॉटम, लेकिन इसमें है आपका टॉप, ट्विजर टॉप। तो मार्केट हमारी यहाँ से नीचे से शुरू हुई और हमारी ऊपर जाके खत्म हो गई, तो हमारा हाई बिल्कुल सेम है, नीचे शुरू हुई ऊपर जाके खत्म होगी, हाई बिल्कुल आपका सेम है,
इसका देख सकते हो आप, इसका भी हाई सेम है, ग्रीन कैंडल बनी फिर रेड कैंडल बनी, इसका हाई सेम है, यहाँ पर रेड बनी फिर ग्रीन बनी, इसका भी हाई सेम है, और ये हमारी विक के साथ टच हुई लेकिन इसका भी हमारा हाई सेम है। ये होता है हमारा ट्विचर टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न, जिसमें आपका डाउन मोस्टली डाउन जाने का चांसेस रहता है। एंट्री लेवल आपको पता होगा एंट्री लेवल क्या है और टारगेट क्या है, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। अभी थ्री आउटसाइड डाउन कैंडल स्टिक पैटर्न आ गया हमारा नेक्स्ट। ये भी हमारा बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है मैंने आपको बताया, तीन कैंडल्स का जोड़ या मेल या कॉम्बिनेशन कुछ भी, उसको हम कहते हैं थ्री आउटसाइड डाउन। ये पीछे भी कई ऐसे कैंडल्स है जिसको तीन उसका जोड़ है, यहाँ पे हो गया हमारा, यहाँ पे हमारा हो गया थ्री इनसाइड डाउन और थ्री आउटसाइड डाउन। यहाँ पे चेक कर सकते हो, बड़ी सी रेड कैंडल छोटी सी ग्रीन, बड़ी सी ग्रीन कैंडल छोटी सी रेड कैंडल, यहाँ पे छोटी सी ग्रीन कैंडल और बड़ी सी रेड कैंडल, वो हमारा इनसाइड डाउन हो गया या हमारा आउटसाइड डाउन हो गया। ग्रीन कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल, एंट्री लेवल हमारा यहाँ पे इसके नीचे हो जाएगा 50% पास पे, स्टॉप लॉस ऊपर हो जाएगा और टारगेट हमारा ये हो जाएगा। ये होता है हमारा थ्री आउटसाइड डाउन। सबका भी प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो में, आपको भी प्रैक्टिकल दिखाऊंगा थोड़ी देर में। ये तो हमारा हो गया, सारा क्लियर हो गया। हमारी बुलिश कैंडलस्टिक कौन सी होती है, बेरिश कैंडलस्टिक कौन सी होती है, मैं आपको बेरिश का एक बार रिवाइज करा देता हूँ। बेरिश कैंडलस्टिक कौन सी होती है, थ्री आउटसाइड डाउन, इसमें आपके ग्रीन कैंडल बनती है, फिर बड़ी सी रेड कैंडल बनती है, फिर एक छोटी सी रेड कैंडल नीचे बनती है, और उसके नीचे आपको एंट्री लेना है, स्टॉप पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, तीन कैंडल्स का जोड़ आपका आउटसाइड डाउन हो जाता है। ट्विजर टॉप में आपको नीचे कैंडल शुरू होगी, ऊपर जाके खत्म हो जाएगी, लेकिन टॉप आपका बिल्कुल सेम रहेगा। थ्री इनसाइड डाउन में क्या होगा, बड़ी सी रेड कैंडल बनेगी और छोटी सी रेड कैंडल और बड़ी सी रेड कैंडल बनेगी, यहाँ पर ग्रीन कैंडल रेड रेड, ये आपका तीन कैंडल्स का जोड़ आपका थ्री इनसाइड डाउन हो जाता है। एंट्री लेवल ये हो गया, स्टॉप लॉस ये हो गया आपका। ब्लैक मार्बोजो में बड़ी सी रेड कैंडल बनती है, उसका कोई विक नहीं होता मोस्टली, जब ये बनती है तो मार्केट आपकी डाउन जाती है। थ्री ब्लैक क्रोज, बड़ी बड़ी सी तीन कैंडल्स और डाउन जाती हुई, उसको हम कहते हैं थ्री ब्लैक क्रोज। डार्क क्लाउड कवर, डार्क क्लाउड कवर कैंडल, इसमें आपका एक ग्रीन कैंडल बनती है नीचे डाउन उसके 50% पार्ट से, उसके टॉप पे आपकी एक रेड कैंडल बनती है, ये होता हमारा डार्क क्लाउड। जितना आपका ऊपर जाएगा उतना आपका डाउन जाएगा, इस तरह का जो कैंडल स्टिक ऐसे चला, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, एक तरीके से डब्लू बन गया है। ये आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, स्टॉप लॉस आपका हो गया ये हो गया स्टॉप लॉस, एंट्री लेवल आपका ये हो गया, टारगेट आपका ये हो गया, ठीक है, ये डार्क क्लाउड हो गया। इवनिंग स्टार क्या होगा, ये तीन कैंडल्स का जोड़ आपका इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक होता है, बड़ी सी रेड कैंडल छोटी सी ऊपर उसके टॉप पे ग्रीन कैंडल फिर रेड कैंडल, ये भी इवनिंग स्टार। बेरिश एंगल्फिंग में क्या होता है, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को एंगल्फ कर जाती है, खा जाती है। शूटिंग स्टार में क्या होता है, आपको मैंने बताया था हैंगिंग मैन टॉप जो हैमर है, हैमर जैसा ही दिखता है लेकिन इसमें क्या होता है उल्टा हो जाता है, नीचे से बॉडी होती है और ऊपर वीक होती है, होता है शूटिंग स्टार। हैंगिंग मैन में उसका उल्टा जाता है, ऊपर बॉडी होती है नीचे वीक होती है, ये आपको समझ में आ गया बेरिश एंगल्फिंग क्या है। अब हम बात कर लेते हैं कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न। आपको मैंने बेरिश कैंडल्स भी बता दिया, बुलिश कैंडलस्टिक बता दिया, कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। ये हमारा था कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश स्पिनिंग टॉप, ठीक है, बेरिश स्पिनिंग टॉप, दोनों का सेम ही है, बस यहाँ पे कलर चेंज हो गया। ये हमारी वीक हो गई, ये हमारी वीक होगी, ये हमारी बॉडी होगी, ओपन यहाँ से हुई और यहाँ से क्लोज हो गई, यहाँ से क्लोज हुई, यहाँ से ओपन हुई, यहाँ से क्लोज हो गई, हमारी बॉडी बिल्कुल सेम ही है, सेम हाई पे सेम लो पे हमारी यहाँ पे क्लोज हो गई, तो ना हमें प्रॉफिट हुआ ना हमारा लॉस हुआ, ये होता है हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न। अपसाइड तसुकी गैप, यहाँ पे मार्केट हमारी अप गई, यहाँ पे अपसाइड तसुकी गैप बना, एक ग्रीन कैंडल फिर एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल फिर एक रेड कैंडल, यूँ गया फिर यूँ आ गया। अब यहाँ पे आगे भी इस तरीके का बन रहा है, सेम इसी तरीके का आगे भी बनेगा, अपसाइड तसुकी गैप, ये होता है कि मतलब कि मार्केट सेम ट्रेंड को फॉलो कर रही है बार बार, और ये हमारा हो गया फॉलोइंग थ्री मेथड्स। यहाँ पे हमारा फॉलोइंग थ्री मेथड्स में होता है, एक कैंडल दो कैंडल तीन चार पांच कैंडल्स का हमारा यहाँ पे जोड़ होता है, इसको हम कहते हैं फॉलोइंग थ्री मेथड्स कैंडलस्टिक पैटर्न। रेड कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल और हमारे यहाँ पे रेड कैंडल, ये हमारा कैंडल्स का जोड़ हमारा होता है फॉलोइंग थ्री मेथड्स कैंडलस्टिक। ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस, ये हमारा हो गया एंट्री लेवल, ये हो गया हमारा टारगेट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक बार लाइव दिखा देता हूँ, सब लाइव दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार, कहाँ गया कहाँ से होगा, हैमर और इन्वर्टेड हैमर। ये हो गया हमारा ट्रेडिंग व्यू, अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं
और आप पेपर ट्रेडिंग भी करना चाहते हो तो करके भी देख, पर ट्रेडिंग करके भी देख सकते हो। यहाँ पे आप पेपर नीचे ट्रेडिंग पैनल का ऑप्शन दिखेगा, आप वहाँ जाके अपने पेपर ट्रेडिंग अकाउंट को ऐड कर सकते हो। यहाँ पे इंडिकेटर्स पे गए हम, इन्वर्टेड हैमर को हम ले लेंगे, इन्वर्टेड हैमर बुलिश, ये हो गया हमारा, ठीक है। ये हमारा, ये बन गया हमारा हैमर, यहाँ पर चेक कर सकते हो आप लोग, ये बना हमारा हैमर। मार्केट यहाँ से डाउन आई, हैमर बना, यहाँ पे हमने एंट्री ले ली, मार्केट यहाँ से अप गई, ठीक है। यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपको आगे भी दिखा देता हूँ मैं, इन्वर्टेड हैमर तो मुश्किल ही होगा मिलना, बहुत कम चांसेस रहते हैं उसके बनने के। ये रहा हमारा इन्वर्टेड हैमर, हैमर हमारा टॉप से बना है और इन्वर्टेड हैमर हमारा डाउन से बना है। ये हमारा टॉप से शुरू हुआ बॉडी और नीचे डाउन पे बिक आई, ये हमारा डाउन से शुरू हुआ ऊपर हमारी बिक गई, यानी हमारा डाउन से शुरू हुआ डाउन ट्रेंड आया, ये बना तो हमारा टॉप पे चला गया, ठीक है। ये हमारा होगा इन्वर्टेड हैमर। अब अगला दिखा देता हूँ मैं आपको, अगला कौन सा था हमारा, अगला हमारा है बुलिश एंगल्फिंग और आपका है मॉर्निंग स्टार, ठीक है। कुछ कुछ कैंडल्स इसमें नहीं मिलेंगे, कभी काफ़ी पीछे जाना पड़ जाएगा इसलिए जो जो कैंडल्स मिलेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बुलिश एंगल्फिंग इंडिकेटर की मदद से आप ढूंढ सकते हो, जितने हैं सारा आपको शुरुआत में प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप ढूंढ सकते हो और आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हो गया हमारा बुलिश एंगल्फिंग और अब हमारा आ जाता है मॉर्निंग स्टार, एक कैंडल मॉर्निंग स्टार बुलिश कैंडल, ठीक है। ये हो गया हमारा बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, ठीक है। तो हमारा ये जो ग्रीन कैंडल है ये रेड कैंडल को खा जा रहा है, अब इसको ही देख लो आप, ये ग्रीन कैंडल है हमारा, रेड कैंडल को खा गया तो हमारी ये मार्केट को इसने कैप्चर कर लिया, भाई ऊपर जाना था लेकिन यहाँ पे ऊपर नहीं गया, वहाँ से मार्केट हमारी डाउन आ गई। ये प्रॉपर तरीके से कैंडल नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ कोई और दिखाता हूँ कैंडल जिसमें आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये रेड कैंडल है और ये हमारी रही ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल ने हमारी रेड कैंडल को खा लिया, एंगल्फ कर लिया, तो हमारी मार्केट यहाँ से ऊपर चलेगी, यहाँ से हमारी इतनी ऊपर गई, इतनी ऊपर ही बहुत होती है, बहुत ज़्यादा हो जाता है यही। अब हमारा बात हमने देखना है मॉर्निंग स्टार ढूंढना है इसमें कि हमारी मॉर्निंग स्टार कैंडल कहाँ पे है। मॉर्निंग स्टार तो मुश्किल ही मिलना, अगली देखते हैं। मॉर्निंग स्टार तो आपको समझा ही दिया कि तीन कैंडल्स का जोड़ आपका मॉर्निंग स्टार बनता है। आपको मैं सारा पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आप पीडीएफ में सारा कुछ नोट कर सकते हो और आप उसको देखना चाहो तो देख सकते हो। हमारा नेक्स्ट आ जाता पियर्सिंग लाइन और थ्री व्हाइट सोल्जर्स, ये भी हमारा नहीं मिलेगा, मुश्किल ही है, काफी पीछे जाना पड़ेगा, फिर काफी लंबी वीडियो बन जाएगी, फिर आप लोग नहीं देखोगे, इसलिए मैं जितना हो सके उतनी ज्यादा छोटी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। पियर्सिंग लाइन हो गया आपका, यहाँ पे पहले इसको कट करना पड़ेगा, आप तीन से ज्यादा यहाँ पे लिख नहीं सकते, तो आपका पियर्सिंग लाइन हो गया और थ्री व्हाइट सोल्जर्स, पियर्सिंग और आपका थ्री व्हाइट व्हाइट सोल्जर्स, ठीक है, हमारा यहाँ पे हो गया। ये आ गया हमारा पियर्सिंग लाइन, पियर्सिंग लाइन देख सकते हो आप लोग, ये हो गया हमारा ऊपर रेड कैंडल, नीचे हमारे उसके थोड़ी सी ग्रीन कैंडल, ठीक है। ये हमारा रेड कैंडल है, ये हमारा उसके टॉप पे दिख जाएगा, ये हमारी रेड कैंडल है उसके टॉप पे बनी है और फिर हमारी ग्रीन कैंडल उसके 50% पार्ट से नीचे बनी है, ये हमारा होगा पियर्सिंग लाइन पैटर्न। यहाँ पे मार्केट हमारी इतने डाउन आई थी तो हमारी इतनी ऊपर चली गई, आपको एंट्री यहीं से लेनी थी और आपकी मार्केट इतनी ही ऊपर गई है, ये हमारा होगा पियर्सिंग लाइन। और आपको अब देखना है थ्री व्हाइट सोल्जर्स दिखाना है, अब देखते हैं थ्री व्हाइट सोल्जर्स को ढूंढते हैं, इसमें मिल जाए तो अच्छी बात है, आपको भी समझ में आ जाएगा, मुझे तो पता ही है। ये हो गया कौन सा हमारा पियर्सिंग लाइन, पियर्सिंग लाइन मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसमें देख लेना, पियर्सिंग मॉर्निंग स्टार का उसमें देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा था बुलिश मारबूजो और आपका थ्री इन साइड अप, बुलिश मारबूजो और थ्री इन साइड अप,
मारू मारू बोजो इनसाइड, इनसाइड अप ऑटोमेटिक फाइंडिंग स्टेप। ये हमारा हो गया मारबुजो वाइट। मारबुजो वाइट ग्रीन कैंडल बनी हमारी। ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल है, इसमें आप लोग देख सकते हो विक बहुत छोटी सी, बहुत ज्यादा छोटी सी हमारी विक है। ये हमारा हो गया बुलिस मारबुजो। यहाँ पे हमारी बुलिस मारबुजो बनी। हमारी मार्केट कितनी ऊपर गई, यहाँ से हमारी कितने 19,606 है, तो मार्केट हमारी कितने ऊपर गई, मार्केट हमारी टोटल 22 पॉइंट ऊपर गई। 22 पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, किसी किसी ट्रेडर के लिए 2 पॉइंट भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो हमारी यहाँ पे मैंने मारबूजो वाइट आपको दिखा दिया। अब अगला हमारा आ जाता है ट्विजर बॉटम और बुलिश हरामी। ट्विजर बॉटम और आपका बुलिश हरामी, बुलिश हरामी और आपका ट्विजर, ट्विजर बॉटम बुलिश। ये हो गया हमारा बुलिश हरामी। ये देखो आपका आगे यहाँ पे क्या है, बुलिश हरामी। बुलिश हरामी में क्या होता है, बड़ी सी रेड कैंडल होती है और छोटी सी आपकी ग्रीन कैंडल होती है। ये देख सकते हो बड़ी सी रेड कैंडल है और आपकी छोटी सी ग्रीन कैंडल है। ये आपका हो गया बुलिश हरामी कैंडल। ये देखो आपकी बड़ी सी रेड कैंडल है और छोटी सी ग्रीन कैंडल है, बड़ी सी रेड कैंडल है, छोटी सी ग्रीन कैंडल है। ये आपका हो गया बुलिश हरामी। मैं इसको और काट के आपको दिखाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। ये देख सकते हो बड़ी सी रेड कैंडल है, छोटी सी कैंडल है, ये आपका हो गया बुलिश हरामी कैंडल। इसके बाद से मार्केट ऊपर जाती है लेकिन यहाँ पे गई नहीं, आपको पूरा एक्यूरेट नहीं है ढंग से, तो इसलिए आप यहाँ पे दिख नहीं रहा है। और आपका ये हो गया ट्विजर बॉटम। ट्विजर बॉटम आप लोग एक बार चेक कर लो, चेक कर सकते हो इनका दोनों का। आपका बिल्कुल बॉटम बिल्कुल सेम है, बिल्कुल भी सेम है, 19,600 का बिल्कुल सेम है बॉटम दोनों का। ये होता है ट्विजर बॉटम। कैंडल ऊपर शो हुई है, नीचे आपका जाके बॉटम उतना ही टच करना चाहिए, आपका होता है ट्विजर बॉटम। अब नेक्स्ट हमारी क्या आ जाती है यहाँ पे, ऑन नेक और हैंगिंग मैन। ऑन नेक और हैंगिंग मैन, ऑन नेक हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन, ये हो गया आपका। और ये आ गया हमारा यहाँ पे ट्विजर हैंगिंग मैन। ये रहा हमारा हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन में बॉडी टॉप से शुरू होगी और आपकी विक लोअर होगी, विक डाउन होगी और बॉडी आपकी टॉप से शुरू होगी। तो हैंगिंग मैन हमारा ये है, बेरिश कैंडल है। हैंगिंग मैन बनता तो मार्केट हमेशा हमारी डाउन जाती है, यहाँ पे गई फिर हमारी मार्केट डाउन चली गई, फिर वापस से हमारी मार्केट ने वापस से अप ले लिया। अब हमारा यहाँ पे ऑन नेक है। ऑन नेक तो मुश्किल ही है आप लोग ढूंढने में, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग उसमें ढूंढ लेना। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो ऐसा करते हैं हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें बता देता हूँ। आप जैसे ट्रेडिंग व्यू का आप लोग देख रहे हो, ये ट्रेडिंग व्यू क्या है, ट्रेडिंग व्यू में आपको टोटल सारी चीज़ें दिखती हैं। आपको ट्रेड लगाना है, क्या लगाना है, मार्केट आपकी चलती रहती है, ये लाइव मार्केट अभी चल रही है। यहाँ पर टाइम सेकंड से चेक कर सकते हो, यहाँ पे हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। 5 मिनट का टाइम परफेक्ट होता है, यहाँ पे 2 मिनट 41 सेकंड। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो हमारी कैंडल बन रही है, ये हमारी बन रही है हैंगिंग मैन बनी, लेकिन हमारी यहाँ से कैंडल चेंज हो गई, ये हमारी लाइव कैंडल बन रही है। मार्केट हमारी लाइव चल रही है, 2 मिनट 24 सेकंड में हमारी एक कैंडल जो हमारी पूरी की पूरी तरीके से बन जाएगी। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हम निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। निफ्टी का आप किसी का भी देख सकते हो जिसका आपको देखना हो, मैं तो निफ्टी का देख रहा हूँ। यहाँ पे हम निफ्टी का देख रहे हैं ट्रेडिंग व्यू, और आप काफ़ी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें, ट्रेंड लाइन हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, वर्टिकल लाइन हो गया। आपको इस बारे में भी अगर सीखना है, आपको नहीं पता है, तो आप कमेंट करना, मैं आपको प्रॉपर प्रोवाइड कर दूंगा। आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना चाहते हो तो वहाँ से भी हो सकते हो, आपको प्रॉपर पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो और सारी चीज़ें आप प्रॉपर देख सकते हो। वहाँ पर पीडीएफ भी मिल जाएगा, फोटोज भी मिल जाएंगे, ट्रेंड लाइन क्या होता है, सारी चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम
टेलीग्राम में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पे हमारा 1 मिनट 38 सेकंड और रह रहा है, फिर इसके बाद से हमारी जो कैंडल है हमारी पूरी तरीके से बन जाएगी। कुछ टाइम हम लाइव आना भी शुरू करने वाले हैं, बस आप लोग बताना कि लाइव आए कि ना आए। यहाँ पर मैंने अपना फायर्स का अकाउंट भी जोड़ रखा है, फायर्स का अकाउंट भी जोड़ रखा है। मैं आप इसको लॉग आउट करना चाहूँ तो लॉग आउट भी कर सकता हूँ। पेपर ट्रेडिंग काफ़ी चीज़ें होती है इसमें सीखने लायक, जो नहीं पता होता हमारा वापस से हैंगिंग मैन बन रहा है। हमारा टॉप पे बॉडी है और हमारी लोअर यहाँ पे विक है, तो हमारे हैंगिंग मैन बन रहा है यहाँ पे। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो का कोई पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और लोगों के साथ भी शेयर कर देना। और थैंक्स वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आप हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हो, हमारी टीम ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, टेलीग्राम का भी लिंक है और डीमैट अकाउंट का भी लिंक है। वहाँ भी ओपन करके हमारे साथ जुड़ सकते हो, हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हो, हमारी टीम को ज्वाइन कर सकते हो और काफ़ी चीज़ें आप लोग सीख सकते हो। अगर वीडियो को कोई पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना नेक्स्ट पार्ट के लिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।